हेलो गाइस, आइए हम लोग वो डबल इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए तो एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, इवाल्यूएट डबल इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्या डबल इंटीग्रेशन? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है, ओवर द रीजन रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, देखिए हमको इसको करना है डील। हाँ, ये डबल इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है, लेकिन यहां पे देखिए हमको लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट हमको यहां से निकालना है। ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या रीजन होता है, तो इसको हम बोलते हैं इनसाइड द सर्कल। ये जो रीजन दिया हुआ है आपको, तो ये सर्कल का इंटीरियर पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ सर्किल। चूंकि अगर इसको हम लोग वन कर देंगे तो ये सर्किल का इक्वेशन है। ठीक है, सेंटर कितना होता है इसका? इसका सेंटर होता है 0 0, और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है 1। ठीक है, तो ये है। तो यहां से देखिए ये जो रीजन दिया है, हम लोग इसे कैसे काम करेंगे। हाँ, हम ऐसे लिखेंगे, लेट आर डिनोट, ठीक है, दी रीजन। मान लेते हैं कि आर जो है वो रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या करना है, इसको वन ले लीजिए। ओके, यहां से देखिए अगर हम लोगों को निकालना है एक्स का लिमिट, तो हम वाई को जीरो लेंगे। ठीक है, ओके, तो फॉर वाई इक्वल टू जीरो, वाई को अगर हम जीरो ले लें तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि माइनस वन से एक्स कहां तक है? वन तक, ये एक्स का लिमिट हो गया। ठीक है, अब वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, एंड हम लिखेंगे वन इम्प्लाइज, वन से क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका अच्छा लेस देन इक्वल टू, तो मोड ऑफ वाई क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जो लिमिट है वो कहां से कहां तक होगा, यानी ये माइनस में वन माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के प्लस में वन माइनस एक्स स्क्वायर तक लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग को लिमिट मिल गया। हाँ, तो हम लोग इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। देयरफॉर क्या होगा, इंटीग्रल आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स होगा मेरा माइनस वन से वन, ठीक है, और वाई मेरा होगा माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर तक। ठीक है, और अंदर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई। क्लियर है? ठीक है, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाई वाले को करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एक्स वाले को करेंगे। हाँ, तो देखिए कैसे होगा, माइनस वन से वन रहने दीजिए एक्स वाला, और वाई वाला का इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर का क्या होता है, वाई स्क्वायर का होता है वाई क्यूब बाई थ्री। ठीक है, ओके, तो अच्छा यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये चूंकि माइनस से प्लस है ना लिमिट इसका, तो हम लोग यहाँ पे ऑड इवन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं टू इंटू जीरो से रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर डी वाई, ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि साथ में ये इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये इवेन फंक्शन है, कि अगर हम माइनस वाई डालेंगे तो प्लस में निकलेगा। ठीक है, तो चूंकि ये इवेन फंक्शन है, तो इवेन में क्या हम पढ़े हैं प्रॉपर्टी, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यहाँ पे हम लिख दें क्या, देखिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो हम मेंशन कर दे रहे हैं। क्या होता है, सिंस माइनस ए टू ए, अगर ऐसा है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कब, जब आपका एफ एक्स क्या हो, इवेन हो, और इवेन फंक्शन क्या होता है, माइनस डालने से क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, ये हम लोग 12 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो, कब, जब मेरा एफ एक्स क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। ये सब जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से, तो हम लोग अभी ये वाला अप्लाई किए हैं, ऊपर वाला टू कर दिए, इसको जीरो से इतना कर दिए, चूंकि वाई स्क्वायर क्या है, इवेन फंक्शन है। ठीक है,
इवेन का मतलब क्या होता है कि माइनस एक्स डालेंगे तो प्लस एक्स मिलेगा, दैट इज लिख देता हूं मैं, माइनस एक्स डालेंगे फंक्शन में तो क्या आएगा, प्लस एक्स आएगा। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो माइनस डालने से प्लस हो जाएगा, और ऑड का मतलब क्या होता है कि अगर माइनस डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस में बाहर आएगा, ठीक है ना। ओके क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर फोर क्या हो गया बताइए, देयर फोर में जो इंटीग्रेशन आई है वो क्या हो जा रहा है। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका वाई क्यूब बाई थ्री होता है ना, तो टू बाई थ्री को बाहर कर दीजिए, माइनस वन से वन, इसका वाई क्यूब बाई थ्री, ठीक है, इंटीग्रेशन, और लिमिट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा आपका, थ्री बाई टू, ठीक है, ये हो गया इसका। अच्छा और यहां क्या बचा, यहां बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को रखने दीजिए और डीएक्स, ठीक है, फाइनली ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इस तरह का इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को पुट कर दीजिए साइन थीटा, तो हमारा डीएक्स क्या हो जाएगा, हमारा डीएक्स हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये फिर ये मेरा इवेन फंक्शन है, तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले लेते हैं, आई इक्वल टू कर देते हैं, फिर से टू बाहर होगा तो फोर बाई थ्री, ठीक है, और ये जीरो से वन लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू और डीएक्स, ठीक है। अब इधर देखिए, पुट कर रहे हैं एक्स को साइन थीटा, डीएक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, लिमिट एक्स अगर जीरो है तो थीटा भी जीरो होगा, और एक्स अगर वन है तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई टू, ठीक है। ओके चलिए अब इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर आई इक्वल टू हो जाएगा फोर बाई थ्री, जीरो से पाई बाई टू, ये हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और डीएक्स क्या है, कॉस थीटा और डी थीटा। ओके तो यहां से देखिए, यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया ये आई फोर बाई थ्री जीरो से पाई बाई टू, ओके ठीक है, और ये हम लोग का हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस फाइव थीटा, और सॉरी कॉस फोर थीटा, माफ कीजिएगा, कॉस फोर थीटा और डी थीटा, ठीक है, तो ये आ जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये साइन स्क्वायर और कॉस फोर आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग दो काम कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग के पास में तो बहुत सारा रिजल्ट है, तो हम लोग कर सकते हैं कि इसको जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर वाला, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं, कि साइन इवेन थीटा क्या होता है, साइन कॉस इवेन थीटा क्या होता है, ठीक है, तो इसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो गामा का हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो जो गामा का प्रॉपर्टी है हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो आप जो चाहें सो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग ये देखिए, हम लोग अभी हाल में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या कि गामा के टर्म में, ठीक है, क्या पढ़े थे कि जीरो से पाई बाई टू साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा डी थीटा, ये क्या होता है, ये होता है गामा पी प्लस वन बाई टू, फिर गामा क्यू प्लस वन बाई टू, ठीक है, नीचे में क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो क्या हो जाता है गामा पी प्लस क्यू, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा टू, तो ये हम लोग आ जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला जो था गामा वाला फॉर्मूला, नीचे में एम प्लस एन होता है, ठीक है, तो हम लोग का जो m होता है m प्लस एन प्लस वन होता है नीचे में गामा के केस में, ठीक है, तो वो रिजल्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उस रिजल्ट को, ठीक है, वो जो रिजल्ट है वो क्या था, जैसे यहाँ पे 2m माइनस वन होता है, यहाँ पे 2n माइनस वन होता है, ठीक है, तो नीचे में हो जाता है ये आपका ये गामा एम गामा एन, ठीक है, गामा एम प्लस एन प्लस वन होता है, ओके, तो हम लोग का, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पी प्लस क्यू और प्लस टू बाई टू ऐसे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस वन, ओके, तो ये देखिएगा तो ये हो जाएगा गामा पी प्लस क्यू बाई टू
और फिर हम अलग से प्लस टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए 4/3, ठीक है, गामा पी प्लस 1/2। तो गामा पी प्लस 1/2 क्या होगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा पी हम लोग का 2 है, तो गामा 3/2, ठीक है। यहां पर डालेंगे 4 तो क्या हो जाएगा गामा 5/2। और नीचे में अगर हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, ठीक है। ओके, क्या आ जा रहा है बताइए, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8/2, 4, यानी गामा 5 आ रहा है ना, गामा 5, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इसको कि यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आ जाता है। तो देखिए हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा गामा 3/2। गामा 3/2 के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे करना है, इसको एक कम से शुरू करना होता है 1/2, और फिर गामा 1/2 यानी रूट पाई, ठीक है। फिर नीचे में गामा 5/2 है, ठीक है, तो गामा 5/2 क्या हो जाएगा, ये 3/2 से शुरू होगा, 3/2, 1/2 और रूट पाई भी खत्म होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया हम लोग का 4/3 गामा 3/2, तो ये हो गया 1/2 रूट पाई। गामा 5/2 ये हो गया हमारा 3/4 रूट पाई, ठीक है। और गामा 5 क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल 4। ओके, तो 4/3, और यहाँ पे हम मान लो का हो जा रहा है 3/8 पाई, और 1/4 क्या होगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, यही आता है। ओके, तो अब देखिए कि इसका जो आंसर हम लोग को बन रहा है, तो वो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का देखिए आंसर आएगा, यहाँ पे 3/3 कैंसिल हो जाएगा, ओके, और 4/4 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ये नीचे वाले में यहाँ पे फॉर्मूला में डाउट है, हमको लगता है ये पी प्लस क्यू प्लस 2/2 होना चाहिए, है ना, ये वन अलग से नहीं होता है, सिर्फ दोनों का सम होता है। ओके, गामा, अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, ये बस सम होता है, ये वन नहीं होता है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। हाँ मतलब इन दोनों को बस जोड़ते हैं, तो पी प्लस क्यू 1 और 1 2, और नीचे में एलसीएम आपका 2, ठीक है। तो ये होगा, जब इसका वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8/2 4, ठीक है। ये देखिए गामा 4 आएगा, हाँ तो गामा 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 3 होगा, ठीक है। ओके, तो फैक्टोरियल 3 होगा तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे ना 3 2 1, क्लियर है, फैक्टोरियल 3 को। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 4 2 जा, यहाँ पे कट के 3 3 कट गया, यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, पाई बाई 12, ठीक है। ये हम लोग का आंसर आ रहा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अगर कंफ्यूजन है तो उसको बता देंगे, ठीक है।